साल 2017 में क्रिकेट मैदान में टीम इंडिया का दबदबा रहा। इस पूरे कैलेंडर ईयर में टीम इंडिया ने 37 मैच जीते। अगर हम यूं कहें कि यह साल टीम इंडिया के लिए अब तक के क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन साल रहा तो इसमें चौंकने की जरूरत नहीं है। अगर टीम इंडिया इस साल दो और मैच जीतने में कामयाब रहती तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन जाता। इस वक्त सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2003 में 38 मैच जीते थे। इन सब के बीच इस साल कई ऐसे मौके भी आए जब टीम इंडिया की खूब फजीहत हुई। ये ठीक ऐसा ही रहे जैसे चांद पर दाग हैं। आइए जानते हुए उन पांच हारों के बारे में जिन्हें टीम इंडिया 2018 में भुलाकर कभी दोहराना नहीं चाहेगी। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारकर तोड़ा करोड़ों भारतीयों का दिल। 18 जून को ओवल में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों मिली हार को कोई भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी नहीं भुला पाएगा। इस टूर्नामेंट में सबसे कमजोर टीम पाकिस्तान सबसे मजबूत टीम इंडिया को हरा देगी, किसी को यकीन नहीं था और पाकिस्तान ने इस मैच में भारतीय टीम को 180 रन के अंतर से हरा दिया था। 112 रन पर ढेर हुई धर्मशाला वनडे में टीम इंडिया लंबे समय के बाद अपने रेगुलर कप्तान विराट कोहली के बिना पहली बार रोहित शर्मा की कप्तानी में धर्मशाला में उतरी। श्रीलंका के खिलाफ हुई सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय बल्लेबाज इतने सस्ते में निपट जाएंगे, किसी को यकीन नहीं था। टीम इंडिया ने इस मैच में 38.2 ओवर में 112 रन ही बना सकी। वो तो शुक्रवार है कि विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने किसी तरह अर्धशत की पारी खेलकर टीम के स्कोर सम्मानजनक तक पहुंचाया। टीम इंडिया को इस मैच में श्रीलंका ने 7 विकेट से मात दी थी। यह मैच इस लिहाज से भी याद रखा जाएगा क्योंकि टीम इंडिया को अपने घरेलू मैदान में पहले बल्लेबाजी करते हुए यह सबसे कम स्कोर रहा। पुणे टेस्ट में पहली बार कोहली 0 पर आउट हुए और टीम इंडिया 333 रन से हारी। इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच पुणे में खेले गए टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 333 रन के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। इस मैच में पहली बार कप्तान कोहली टेस्ट में 0 पर आउट हुए। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 260 रन बनाती है जबकि टीम इंडिया महज 105 रन ही ढेर हो जाती है। इसके बाद दूसरी पारी में भी टीम इंडिया का वही हाल होता है जो पहली इनिंग में होता है। दूसरी पारी टीम सिर्फ 107 रन बनाकर आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों में लिटी डट में सबसे बड़ी हार 10 अक्टूबर को कंगारू टीम ने एक बार फिर टीम इंडिया के लिए कड़वे सपने संजोए। गुवाहाटी में खेले गए इस टी डट में टीम इंडिया ने पहली पारी में 118 रन बनाए। इसके जवाब में उतरे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने इस टारगेट को 27 गेंद पहले हासिल कर गए। इसके अलावा टीम इंडिया के गेंदबाज बस दो ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट कर पाए। दिल्ली में कटी मेजबान की नाक। हाल ही में दिल्ली के कोटला में श्रीलंका के साथ खेला गया टेस्ट मैच जितना कोहली की वजह से याद किया जाएगा उतना ही स्मोग की वजह से भी याद आएगा। इस मैच में टीम इंडिया शानदार खेल नहीं बल्कि स्मोग की बदनामी की वजह से सुर्खियों में बना। इस मैच में श्रीलंका फील्डर मास्क पहनकर फील्डिंग करते हुए नजर आए, यहां तक कि तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने तो उल्टी तक कर दी थी।